एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ना कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस, फिर भी 75 से ज्यादा कंट्री में प्रेजेंस है, 3,18,000 से ज्यादा मेंबर्स है, और पिछले साल 2023 में 22 बिलियन यानी 1,82,000 करोड़ का धंधा किया। भाई साहब कौन है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BNI, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। BNI एक कॉन्सेप्ट है, BNI एक विचार है, BNI एक मिशन है कि कैसे सभी बिजनेसमैन मिलके एक दूसरे का बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी मार्केटिंग के सबसे पावरफुल टूल आपके ट्रस्ट और आपके रेफरल्स। BNI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हफ्ते में एक बार ये सब लोग बैठते हैं बिजनेसमैन और एक दूसरे को रेफरल देते हैं ताकि आपस में इन सबका धंधा बढ़े। लेकिन राहुल भाई ऐसा करने से प्रैक्टिकल है क्या, इससे फायदा होता है क्या? भाई साहब फायदा आप ये मानो, पिछले साल 2023 में BNI ने टोटल 14 मिलियन यानी लगभग 1,40,00,000 रेफरल पास किए और उसे 22 बिलियन यानी 1,82,000 करोड़ का धंधा जनरेट किया। तो देखा जाए तो भाई छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक रूम में लोग बाग बैठो, आपस में रेफरेंस एक्सचेंज करो, दो पैसे कमा लो। इतने से कॉन्सेप्ट को इतना ऑर्गेनाइज कर दिया, एक नहीं दो नहीं 75 कंट्रीज में फैला दिया, तो कुछ तो खास बात है ना भाई इसमें। अब किसी व्यापारी की अगर 10 दुकानें हो तो सब दुकानें एक जैसी नहीं चलती, इनके 11,000 से ज्यादा चैप्टर है और सब एक जैसे चलते हैं। कैसे? जहां एम्प्लॉई सैलरी लेने के बाद भी डिसिप्लिन में रह के मन लगा के काम नहीं करते, यहां पे बिजनेसमैन बड़े बड़े इंडिपेंडेंट ये डिसिप्लिन में काम कैसे कर लेते हैं, वो भी बिना पैसे दिए। अगर ये मैनेजमेंट टेक्निक, ये सीक्रेट आपको पता चल गई और आपने अपने बिजनेस में लगा दी, तो इसकी ग्रोथ आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई साहब अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, चाहे दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, या फिर आपका एजुकेशनल है, या NGO भी चला रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि मैं एक संस्था बनाऊं और वो संस्था मेरे बिना चले और उसकी कई ब्रांचेस हों और सब अपने आप चलती रहे, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है, ये अपने आप में एक बिजनेस बनाने की और बढ़ाने की कला है। देखो एक चीज ध्यान रखना, आम आदमी मैकडॉनल्ड में जाएगा ना, वो बर्गर खा के आ जाएगा, उसको सिर्फ बर्गर से मतलब है। लेकिन एक आदमी जो खुद का रेस्टोरेंट चला रहा है, वो जब मैकडॉनल्ड में जाता है तो बर्गर खाने नहीं जा रहा, वो मान रहा है कि एक तरह से यूनिवर्सिटी है जो मुझे बहुत कुछ सिखाएगी इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं। तो आप BNI को नॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन मत मानो और इस वीडियो को नॉर्मल वीडियो मत मानो। ये वीडियो मैं BNI के आपको वो पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको पता पड़ेगा अरे BNI तो अपने आप में एक बिजनेस की यूनिवर्सिटी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे, बनाया किसने, ये चलता कैसे है, इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, किसको ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, सब बताएगा रे तेरा राहुल। और लास्ट में मैं मेरी भी पर्सनल, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि भाई साहब BNI की बड़ाई करनी है, ये ग्रेटिट्यूड वाला वीडियो है जहां BNI को मैंने खुद ने काम में लिया और क्या बेनिफिट लगा वो आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, मेरी BNI स्टोरी आपको सुनाऊंगा। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। BNI की शुरुआत की थी डॉक्टर आइवन माइजनर ने। ये क्या थे साहब? ये कंसल्टिंग प्रोवाइड कराते थे। अब कंसल्टिंग प्रोवाइड करते तो उसमें क्या चाहिए भाई साहब? क्लाइंट चाहिए। कैसे मिलेंगे? बोले यार बेस्ट तरीका होता है रेफरल का। तो उन्होंने अपने 3-4 दोस्त जो उनके थे, एक CA था, एक इंश्योरेंस का बंदा था, एक फाइनेंशियल प्लानर था, उनको तीनों को बुला रहे भाई अपनी कंसल्टिंग के लिए यार कुछ चीज बंदे हो तो मुझे रेफर कर दिया करो, तुम्हारे क्लाइंट भी बिजनेसमैन ही होते हैं, मुझे प्लीज रेफर कर दिया करो और मेरे पास कोई आएंगे मैं तुम्हें रेफर कर दूंगा। आपस में चारों ने बैठ के बात सोची, एक दूसरे को रेफरल देने लगे, बहुत फायदा हुआ। तो इन्होंने एक चीज की, अरे यार अपन तो 4 लोग ही एक दूसरे को रेफरल दे रहे हैं, उससे काफी धंधा जनरेट हो रहा है, अगर ये 4 के 8 हो जाए, 8 के 16 हो जाए तो यार कितना मजा है। फिर दूसरी चीज उन्होंने सोची कि यार ऐसा है कि अपन तो रैंडम मिलते हैं, कभी महीने में एक बार मिल लिए, कभी 2 महीने में एक बार मिल लिए, कभी मैं इससे मिला कभी उससे मिला, अपन एक काम करते हैं, एक दिन फिक्स करते हैं, एक टाइम फिक्स करते हैं, उस दिन उस टाइम पे सब मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे, कंपलसरी मिलेंगे और एक दूसरे को रेफरल पास करेंगे और जितने लोग आ जाए उतना बढ़िया। इस कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने BNI की शुरुआत की और पहली मीटिंग हुई थी January 1985। तो BNI की शुरुआत कैसे हुई समझ में आ गया, अब ये काम कैसे करता है वो समझो, फिर मैं बताऊंगा कि इतना बड़ा हुआ कैसे। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया, एक ग्रुप बन जाता है लोगों का, सपोज मान लो 50 लोगों का ग्रुप है, तो 50 लोग अपने अलग अलग प्रोफेशंस है, कोई CA है, कोई डॉक्टर है, कोई टाइल बेचता है, कोई रियल एस्टेट का काम है, कोई ज्वेलरी का काम है, 50 लोग अलग अलग कैटेगरी के एक कमरे में बैठते हैं। हफ्ते में एक दिन मीटिंग होती है, सुबह नॉर्मली 7:30 बजे का टाइम होता है, सुबह सुबह सारे जने एक साथ बैठते हैं, मीटिंग चालू होती है, एक बंदा खड़ा होता है माइक में, नाम बोलता है, मेरा नाम ये है, मैं ये बिजनेस करता हूँ, मुझे इस प्रकार के क्लाइंट्स की आवश्यकता है, अगर आप में से कोई दे सकता है तो, प्लस मेरी इन लोगों से जानकारी है, अगर किसी को इनकी ज़रूरत है तो मैं दे सकता हूँ। वो कुछ आस्क करता है कि मुझे ये चाहिए, अगर तुम दे सको
पूरा ग्रुप और गिव, मैं ये देना चाहता हूँ पूरे ग्रुप में, किसी को जरूरत हो तो बता देना। ऐसे 50 आदमी कुछ चीज़ मांगते हैं कि भैया ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और 50 चीज़ कुछ ना कुछ देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चीज़ें आपस में टकरा जाती है और इनका रेफरल या तो तुरंत मीटिंग में नहीं तो आगे पीछे मीटिंग में हो जाता है। क्लियर है? तो 50 जने रूम में है, 50 जने दे रहे हैं, 50 जने लेने वाले भी उसी रूम में है, तो सबका भला होता है, सबको कोई ना कोई रेफरल मिल जाता है और उस हफ्ते उनका काम चलता है, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, ऐसे हर हफ्ते मिलेंगे तो साल में हर व्यक्ति को एक अच्छा खासा भी ऐसे बिजनेस मिल जाता है। जब ये एक चैप्टर बहुत अच्छा काम करा तो लोगों ने कहा भाई हमें भी जोड़ो, लेकिन रूल था कि एक चैप्टर में एक कैटेगरी का एक ही आएगा, हम एक ही आर्किटेक्ट को लेंगे, हम दो आर्किटेक्ट को लेंगे तो हम ही कन्फ्यूज हो जाएंगे किसको बिजनेस देना किसको नहीं देना। तो नॉर्मली काफी क्या करें, दूसरा चैप्टर बना लो, फिर तीसरा बना लो, करते 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 आज की डेट में 11,000 से ज्यादा चैप्टर पूरे वर्ल्ड में बनाए गए हैं 75 से ज्यादा देशों में। भारत में ये सन 2004 में आया था और अभी तक पिछले 20 सालों में 121 शहरों में फैल चुका है और टोटल 53,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया पता चला, ये कैसे काम करता है पता चला, लेकिन अब आपके दिमाग में और सवाल आ गए होंगे, सर ये इतने सारे बिजनेसमैन हफ्ते में एक बार क्यों बैठते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है, अगर ये सारे अलग अलग चैप्टर अलग अलग तरीके से फंक्शन करते होंगे, आप कहते हैं ये एक साथ ही कर लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं, हमारा एम्प्लॉय तो तनख्वाह लेके भी हमारी बात नहीं मानता, ये तो सब इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है, इनको कोई तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, ये कैसे सारी बात मान लेते हैं, ये इवान माइजदर थोड़ी हर चैप्टर में जाता होगा, पीछे से कैसे चलता है। बस यही सीखने की बात है, यही BNI को यूनिवर्सिटी मानो, और जो एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिस कॉन्सेप्ट से BNI चलता है उस कॉन्सेप्ट को सीख के अपने बिजनेस में लगाना चालू करो। अब इस पॉइंट पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो BNI के करंट मेंबर है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा मैं BNI का मेंबर तो नहीं हूँ पर BNI के बारे में सुना जरूर है, मैं एक ना एक मीटिंग में गया तो हूँ, तो भी वीडियो को लाइक कर देना। और आप बोले नहीं सर जिंदगी में पहली बार BNI चीज क्या है, ये आप ही के मुंह से सुन रहे हैं, तो भी वीडियो को लाइक कर देना। कुल मिला के मॉरल द स्टोरी यह है कि मुझे नहीं पता कैसे करोगे, लाइक हो जाना चाहिए। मैं आपको BNI की एक नहीं दो नहीं तीन नहीं छह ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे BNI सुपर मैनेजमेंट करता है और इतने बड़े नेटवर्क को संभाल सकता है। प्लस ये छह चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका बिजनेस किसी भी तरह का हो नेक्स्ट लेवल पे जाके ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है। द फर्स्ट रूल जिसके बेसिस पे BNI इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है खड़ा हुआ है वो है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जितने भी मेरे स्टूडेंट है व्यापार टू CEO वाले एडवांस वाले बूटकैंप वाले सब जानते हैं मैं इस वर्ड को कितना ज्यादा एम्फेसिस करता हूं और BNI का जीता जागता उदाहरण है। SOP क्या होता है साहब? एक चीज मान के चलना, अमेरिकन जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब SOP के दम पे टिके हुए हैं। जैसे आज की डेट में मैकडॉनल्ड्स, हम कहते हैं मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेचता, नहीं साहब मैकडॉनल्ड्स बर्गर्स नहीं, SOP बेचता है कि क्योंकि मैकडॉनल्ड की अगर जो फ्रेंचाइजी लेता है उसको किसी बात की टेंशन नहीं लेनी, वो कैसी स्टूल रखेगा, किस कलर की रखेगा, उसमें कैसा बर्गर बनेगा, कितना टमाटर डलेगा, एक एक चीज जीरो से लिखी हुई आती है, अगले बंदे को कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। सेम होता है डोमिनोज में और हमारा जो एग्जांपल है करंट BNI, इसमें भी सेम चीज होती है। 11,000 से ज्यादा चैप्टर एक जैसा इसलिए परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि इनमें सब चीजों की क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, सब कुछ डिटेल में लिखित में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, 11,000 चैप्टर है, आप दिल्ली के एक चैप्टर की मीटिंग अटेंड कर लेना, आप मुंबई के कर लो, आप जाके अमेरिका की कर लो, आप कहीं भी किसी भी देश के कोने की कर लो, आपको लगेगा पूरी मीटिंग सेम फ्लो में चल रही है, इनफैक्ट जो वर्ड काम में लिए जा रहे हैं वो भी सेम है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्ट है। बकायदा अगर वहां पे उस मीटिंग में एक प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट जब उठ के बोलता है गुड मॉर्निंग BNI और उसके आगे वो क्या क्या बोलेगा वो सब कुछ वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है, उसमें क्या डेटा है, क्या चीजें हैं, क्या सीक्वेंस है, पहले कब बोलेगा प्रेसिडेंट, बीच में कब वाइस प्रेसिडेंट बोलेगा, फिर सेक्रेटरी को क्या कहना है, एक एक आदमी की चीज फिक्स है, कैसे मीटिंग की ओपनिंग होगी, कैसे मीटिंग की क्लोजिंग होगी, जब गेस्ट को बुलाया जाएगा तो फोन पे क्या बोला जाएगा, जब गेस्ट आ जाएगा तो उसको प्रेजेंटेशन दी जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, मैमकॉम की मीटिंग होगी, एक एक चीज, चैप्टर लॉन्च कैसे करना है, चैप्टर सपोर्ट कैसे करना है, एक एक चीज की SOP बनी हुई है वर्ड बाय वर्ड। तो भाई साहब इसको ना फ्रेम करा लेना जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको अपना बिजनेस अपने बिना चलाना है कि मैं ऑफिस दुकान फैक्ट्री ना जाऊं तो भी चले और एक जगह नहीं कई ब्रांचेस फैलानी है कई शहरों में कई स्टेट में, SOP बिना काम नहीं चलेगा। आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये काम कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा और जितना ज्यादा सीक्वेंस में जितना ज्यादा रिटर्न में होगा उतना ज्यादा आपका कंट्रोल होगा। मुझे यहाँ पे कमेंट में एग्जांपल देके बताओ कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जहां पे आपको लगता है सर इनकी SOP क्या परफेक्ट है, सर मजा आ गया, सर हाँ आपकी बात सुन के लग रहा है हमारी फलानी टीम की कंपनी भी SOP के दम पे ही चलती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट, परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये क्या होता है साहब, आपको अगर किसी भी व्यक्ति से कोई काम कराना है और बहुत परफेक्ट तरीके से कराना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के सभी कामों को लिख देना है कि मेरी कंपनी में ये 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 काम होंगे और ये आदमी करेगा, इसकी ये जिम्मेदारी है। बीएनए ने क्या ब्यूटीफुल चीज की है, छोटे से छोटा काम से बड़े काम के लिए एक पोस्ट डिजाइन कर दी है और उस पोस्ट के व्यक्ति को वो पूरा काम सिखा दिया जाता है, बकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एग्जांपल से बताता हूँ बीएनआई में कौन कौन सी मेजर पोस्ट होती है। बीएनआई में कोई मेंबर जुड़ता है, उसकी मेन प्रोसेस होती है कि वो किसी मीटिंग में पहले उसको इन्वाइट किया जाता है, वो पूरी मीटिंग का फील देखता है, उसके बाद वो वहां पे मेंबर बनने के बारे में सोचता है। विजिटर को बुलाएगा कौन और विजिटर को बुलाने के बाद मीटिंग में उसका ध्यान कौन रखेगा, इसके लिए पोस्ट क्रिएटेड है LVH, लीड विजिटर होस्ट। इसका काम है कि ज्यादा ज्यादा विजिटर को बुलाया जाए और जब विजिटर आ जाए तो उसका पूरा मान सम्मान, पूरा उसका ध्यान रखा जाए और लास्ट में उसको मेंबरशिप के लिए अगर वो इंटरेस्टेड है तो उससे फॉर्म भराया जाए। अब ये काम है, महत्वपूर्ण काम है, इसके लिए पोस्ट है, बंदा है, उसकी SOP है। सेकंड काम क्या होगा, बंदे ने एप्लीकेशन की तो हर जिसको मेंबर थोड़ी बना लेंगे, तो उसके लिए मेमकॉम अलग से, मेंबरशिप कमेटी। उसका काम क्या है कि वो भाई साहब पूरा जाके उस एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, उस बंदे से बैठ के बात करती है, उसकी दुकान उसके ऑफिस को स्टडी करती है, समझती है बंदा हमारे चैप्टर के लिए काम का होगा नहीं होगा, ताकि कोई एरर गैरा नत्थु कहरा ना जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट काम था, इसकी भी पोस्ट बनाई, इस पे भी लोग डाले, इसकी भी SOP है। तो पहली बात मेमकॉम कमेटी तय करती है कि कोई एरर गैरा नत्थु कहरा मेंबर जो जी चैप्टर की गरिमा को खराब ना करे, ऐसा एंटर ना हो जाए। अगर वो एंटर कर भी गया कोई दिक्कत नहीं, वाइस प्रेसिडेंट होता है भाई साहब एक, उसका काम क्या है कि डिसिप्लिन इंश्योर करना कि अटेंडेंस जो कही थी अटेंडेंस पे बंदा अटेंडेंस दे रहा है कि नहीं, जो SOP बनाई थी भाई साहब उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, और कोई भी कंप्लेन आती है तो उसको रिव्यू करता है और उस पर एक्शन लेता है। तो गलत आदमी आने नहीं देंगे और आ गया तो निकालने की पूरी व्यवस्था। अब BNI में जो मेंबर है उनसे रेगुलर बेसिस पे फीस ली जाती है, तो उसका फीस को कौन कलेक्ट करेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा, उसके लिए सेक्रेटरी की पोस्ट है, वो सेक्रेटरी ट्रेजरर उसकी जिम्मेदारी है साहब। फिर उसके बाद ये इतने सारे काम है, इनको सिखाए कैसे, तो उसके लिए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर अलग से है। फिर उसके अलावा कि भैया एक मेंटर कोऑर्डिनेटर है कि कोई नया बंदा आएगा तो उसको एक मेंटर मिलना चाहिए। तो जितने भी छोटे छोटे काम है ना, सब काम के लिए एक पोस्ट क्रिएटेड है, उसकी SOP क्रिएटेड है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो होगा नहीं, और जो भी होगा तरीके से होगा। तो भाई साहब एक चीज याद रख लो, अपनी कंपनी में आपको चाहते हैं कि सर सारे काम हो, ढंग से हो, जिम्मेदारी से हो, अपने काम को अलग अलग टुकड़ों में बांटो कि ये काम मेरे को कराने हैं, उसके लिए कोई पोस्ट जनरेट की जाए, उस बंदे को उससे रिलेटेड काम सिखाया जाए, तब जाके आप फ्री हो सकते हो। आप बोले सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, काम बहुत ज्यादा है, तो भाई साहब आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, काम ज्यादा है, तो एक आदमी एक से ज्यादा काम भी कर सकता है, को लगता है तीन काम भी एक आदमी को दे सकते हो, लेकिन पहले काम के टुकड़े कर दो कि मेरे को भैया इस कंपनी में ये टोटल 15 काम करवाने ही करवाने, आपके पास 15 आदमी है तो एक कर लेंगे, 5 आदमी है तो तीन तीन कर लेंगे, लेकिन काम का डेफिनेशन जरूरी है। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, अरे सर एक रूम में 50 लोग बैठे हैं सपोज, और सबका मूड यह है कि हम जाएंगे और हमें रेफरल मिलेगा, लेकिन भाई साहब अगर कोई नहीं देना चाहे तो उसका क्या होगा। यहां पे आता है BNI का तीसरा कोर वैल्यू, उसको कहते हैं गिवर्स गेन। वो पहले दिन की ट्रेनिंग में कहते हैं कि भैया अगले 6 महीने तक या जब तक तुम BNI में हो, एक चीज याद रखो, गेन उसको होता है जो गिवर है। क्योंकि तुम अगर 2 आदमी को, 5 आदमी को, 10 आदमी को रेफरल दोगे, तो जिसको भी रेफरल देते हो अगले बंदे को एक लगता है कि यार इसने मुझे दिया, मैं इसके लिए कुछ करूं। इनफैक्ट अगर तुमने 10 आदमी को रेफरल दिया, वो कोई तुम्हारे लिए कुछ करे ना करे, लेकिन पूरे 50 आदमी को बताया कि यार ये आदमी बहुत समझदार है, ये आदमी बहुत ईमानदार है, ये बहुत क्रेडिबल है, इसने 10 आदमियों की हेल्प की है, तो बाकी लोग आपकी हेल्प करने को हमेशा तत्पर होते हैं। इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गिवर गेन। तुम रेफरल लेने पे फोकस मत करो, वो तो अपने आप आ जाएगा, तुम फोकस करो देने पे। और जब एक रूम में 50 आदमी और हर आदमी का फोकस है मैं तो बस दूंगा, भैया मिलेगा भी तो उसी रूम को। अब इस कॉन्सेप्ट से तो BNI तो चलता ही है, इस कॉन्सेप्ट से आपका धंधा भी कैसे चलना चाहिए वो ध्यान से सुनो। गिवर्स गेन इस कॉन्सेप्ट में आप ये सोचो ना कि अच्छा मेरे को मेरे कस्टमर ने भैया 100 रुपए बोले थे, अब 100 दिए, मैं 100 में उसको यार 90 रुपए की चीज देता हूँ, 10 रुपए तो बचाऊ। भाई साहब तुम कोशिश ये करो कि जो तुमको पैसा मिल रहा है उसके बराबर का, उसके टक्कर का माल दोगे ना, कि यार अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो तू ज्यादा ले जा यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इस गिवर मेंटेलिटी में है, छोटी मोटी चिंदी चोरी नहीं कर रहा है, उसकी ग्रोथ होती है। चौथा पॉइंट जिसके बेसिस पे ये BNI चल रहा है और ये आपको अपने बिजनेस में कंपलसरी अप्लाई करना चाहिए, वो है अकाउंटेबिलिटी। जिस भी चीज को तुम मेजर कर लोगे ना वो इंप्रूव हो जाएगी। जैसे तुम रोज अपना वजन नापने लग जाओ तो तुम्हारा वजन में तुमको लगेगा धीरे धीरे 2-3-4 दिन बाद लगेगा नहीं यार इसको इंप्रूव करना चाहिए। तुम किसी भी चीज को नापोगे, तुम्हारा BP रोज नापने लग जाओ तुम्हें लगेगा यार ये ज्यादा हो गया कम हो गया इसको ठीक करना चाहिए। BNI में हर चीज को मापा जाता है, हर एक मेंबर का पूरा असेसमेंट होता है कि इसने भैया कितने विजिटर बुलाए, इसने कितने रेफरल दिए, इसने कितना बिजनेस जनरेट किया, इसकी अटेंडेंस कैसी है, और उस बेसिस पे उसको 3 कैटेगरी में कि रेड कैटेगरी में,
येलो कैटेगरी में और ग्रीन कैटेगरी में डाला जाता है कि ग्रीन कैटेगरी में ये बंदा बहुत बढ़िया था, येलो कैटेगरी में इसमें इंप्रूवमेंट है, और रेड कैटेगरी वाले को भैया आज नहीं तो कल सुधर जाओ, नहीं तो फिर अब तुम्हारा मेंबरशिप रिन्यूअल नहीं करेंगे, तुम्हें सिस्टम से बाहर कर दे। सेम बेसिस पे इनके जितने भी 11,000 चैप्टर है इनका भी इवोल्यूशन होता है कि भैया तुम भी ग्रीन रेड अलग अलग कितने तुम्हारे मेंबर हैं, कितना धंधा जनरेट किया, कितनी ग्रोथ की, उस बेसिस पे उसकी भी रैंकिंग होती है। तो कुल मिला के ना तो कुछ अगर चैप्टर कोई कमजोर है तो उस पर अलग से बंदा असाइन करते हैं चैप्टर को ठीक करो, बंदा कमजोर है उसको मेंटर असाइन करते हैं, और जो नई सिस्टम है उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। मतलब बेस्ट आदमी को ऊपर उठाते रहते हैं, बेकार आदमी को हमेशा सिस्टम से हटाते रहते हैं। आपने अगर मेरी क्लास एम्प्लॉय मैनेजमेंट की कभी ली होगी उसमें मैं डिस्कस करता हूँ KRA KPI, this is the KPI of BNI। पांचवा पॉइंट है जिसके दम पे BNI चलता है, वो है रिकॉग्निशन। ये क्या है साहब? देखो, एम्प्लॉय को पैसे देके आप मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन वो तो बिजनेस ओनर है, वो तो खुद ही पैसा बांटते हैं, उनको पैसे से तो मोटिवेट नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा मोटिवेशन फैक्टर है जो एक किसी भी बिजनेसमैन को काम करने में मजबूर कर दे? वो है रिकॉग्निशन। आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ है, अब सामाजिक संस्था में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के चक्कर में उस बंदे को लास्ट में, वो बंदा 10 दिन से ऑफिस काम धाम सब छोड़ के लगा हुआ है, सुबह मीटिंग कर रहा है, लोगों को बुला रहा है, व्यवस्थाएं देख रहा है, उसको लास्ट में मिलेगा क्या? उसका नाम लिया जाएगा स्टेज से, उसको स्टेज पर बिठा के एक गुलाब का फूल दिया जाएगा, एक गुलदस्ता दिया जाएगा, एक दुपट्टा उड़ा जाएगा, और प्रोग्राम वाले दिन उसके यहाँ पे वो लगा होगा कार्यकर्ता का, बस उस रिकॉग्निशन उस सम्मान के लिए वो 100, 200, 500 करोड़ का आदमी भाग लेता है। ये कोर चीज है। रिकॉग्निशन अगर किसी व्यक्ति को देते हो तो उसके लिए कुछ भी करके चलने को तैयार है। BNI में इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो जो चीज आप करवाना चाहते हो उस चीज के लिए एक रिकॉग्निशन हमेशा आपको रख देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, BNI में चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 करें, ज्यादा से ज्यादा आपस में मीटिंग करें, तो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जिसने सबसे ज्यादा 1-to-1 किए उसके लिए रिवॉर्ड, बकायदा उसको नाम लिया जाएगा, तालियां बजाई जाएगी, स्टेज पे आके उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सबसे ज्यादा बिजनेस किसने ज्यादा गिव किया उसको स्टेज पे बुलाया, भैया तालियां बजाई। जिसने जितने ज्यादा मेंबर जोड़े उसको गोल्ड पिन दी जाती है। जिसके बहुत ज्यादा ट्रैफिक लाइट में स्कोर बहुत अच्छा है, 98-99, उसको एक ग्रीन पिन दिया जाता है। तो ये जो ग्रीन पिन है, जो गोल्ड पिन है, ये जो अप्रिशिएशन है, इसके चक्कर में हर जितने भी एक रीजनेबल व्यापारी है वो व्यक्ति, आप काम तो उसको वैसे ही करना है, पर काम करने पे अगर अप्रिशिएशन मिलेगा तो उस काम को मन लगा के और जोर से करता है। और इसी चक्कर में BNI में जो आपने कहा ना कि बिना पैसे लिए भी लोग इतना शिद्दत से काम कैसे करते हैं, रिकॉग्निशन, सेम चीज अप्लाई होती है आपके एम्प्लॉइज पे भी। आप भी अगर अपने एम्प्लॉइज पे इंटरनली कुछ छोटे मोटे अवार्ड अनाउंस कर दो कि यार ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, ये करने पे एक मूवी का टिकट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, फिर आप अपने एम्प्लॉय का उत्साह देखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लर्निंग एंड फन। ये क्या होता है साहब? सुनो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो छोटी से छोटी चीज की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और BNI में ट्रेनिंग की टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट है। जो जो चीज आपको करनी है लगभग हर उस चीज की ट्रेनिंग BNI में अवेलेबल है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपको 1-to-1 करना है, 1-to-1 की ट्रेनिंग होती है कि बकायदा बंदे से कैसे मीटिंग की जाए, उसका भी एक फॉर्मेट होता है। BNI कनेक्ट, इट इज अलादीन ऑफ BNI। जैसे मैंने आपको ब्लैक रॉक की केस स्टडी के टाइम पे बताया था कि ब्लैक रॉक का जो एक सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके दम पे ब्लैक रॉक डिसीजन लेता है, बहुत ट्रिलियंस की इकोनॉमी ऊपर नीचे करता है, अलादीन करके उसका सॉफ्टवेयर था। BNI का सॉफ्टवेयर जो अलादीन है वो है BNI कनेक्ट। उस कनेक्ट में जैसे मैं जयपुर का मेंबर हूं तो मैं सिर्फ जयपुर के 50 लोग जो मेरे चैप्टर में हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकता हूं, पर BNI कनेक्ट की मदद से मैं BNI के 3,18,000 मेंबर तक एक्सेस कर सकता हूं। तो BNI कनेक्ट कैसे चलाना है उसकी भी ट्रेनिंग, 1-to-1 कैसे करना है उसकी भी ट्रेनिंग, तुमको 30 सेकंड की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसकी भी ट्रेनिंग, तुमको 8 मिनट की फीचर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसकी भी ट्रेनिंग, लगभग हर काम की ट्रेनिंग डिटेल में घुस के दी जाती है। चैप्टर लॉन्च नया करना है तो कैसे, चैप्टर को सपोर्ट करना है तो कैसे, हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत सारा फन इन्वॉल्व है। जब भी मीटिंग होती है साथ में ब्रेकफास्ट होता है, चिट चैट होती है, गॉसिपिंग होती है, मजा आता है। एनुअल लेवल पे कुछ स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं, फिर एनुअल लेवल पे कुछ आपस में कॉम्पिटिशन होते हैं, फिर आप इंटर चैप्टर मीट्स होती है, फिर एक जोन दूसरे जोन में जाता है, तो बहुत सारी मस्ती। ऐसा नहीं कि वो 50-100 आदमियों में आपका इंटरेक्शन है, आपका इंटरेक्शन पूरे BNI के लंबे नेटवर्क तक हो जाता है। तो सर जी, BNI ज्वाइन करने का फायदा है क्या कुछ? यस सर, पहला फायदा है वेल ग्रूम्ड।
नॉर्मली देखो, हम बिजनेसमैन आदमी, हम कह रहे हैं यार हम तो धंधे वाले आदमी हैं, हमको किसी की नौकरी थोड़ी करनी है, हमने तो जो मर्जी टी शर्ट डाल लिया, जीन्स डाल ली, निकल लिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन BNI में तो भाई साहब जब मीटिंग होती है वहाँ ब्लेजर कंपलसरी है, सूट कंपलसरी है। तो कई ऐसे व्यक्ति जो देसी तरीके से रहते थे वो BNI में आने के बाद उनकी पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत फर्क देखने को मिला। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, क्योंकि BNI में मान लो एक चैप्टर में 70 लोग हैं, आपको हर हफ्ते 70 आदमियों के सामने माइक लेके अपने बारे में बताना है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको झिझक है 50 आदमियों के सामने कैसे बोले, माइक पे कैसे बोले, तो वो झिझक निकल जाती है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। प्लस आपको अलग अलग बिजनेस की नॉलेज मिलती है। सपोज आप अपने इंडस्ट्री के तुर्रम का हो, आपने कहा सर मैं डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल कैसे चलता है मुझे तो पता है, हॉस्पिटल ही तो पता है, बाकी दुनिया कैसे चलती है, ट्रेडिंग, दुकानें, कौन कौन से प्रोडक्ट बाजार में है, कौन कौन सी सर्विस बाजार में है, किससे तुम्हारा हॉस्पिटल और बेटर चल सकता है, ये तो BNI में पता चलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्ती एंड फन। कई लोगों ने, अगर स्कूल लाइफ आपको दोबारा विजिट करनी है कि स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ आपसे मिस हो गई, आपके तो कॉलेज लाइफ दोबारा हो, वही दोस्त वही मस्ती, क्योंकि बिजनेस तो बोरिंग होता है भाई साहब, वो सुबह ऑफिस में एम्प्लॉई है, वेंडर है, कस्टमर है, वो दोस्त वाली मस्ती वाली फीलिंग नहीं है, तो BNI आपकी वो कमी पूरी दूर कर देता है। आप ज्वाइन करके देखोगे, एक बार 3-6 महीने सिस्टम में घुसोगे, आपको अपने स्कूल कॉलेज की लाइफ दोबारा याद आ जाएगी। अरे राहुल जी, BNI की आपने इतनी बढ़ाई कर दी, इतनी बढ़ाई कर दी, स्पॉन्सर्ड वीडियो है क्या? स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एक ग्रेटिट्यूड वीडियो है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें BNI का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो BNI की मेरी स्टोरी क्या है आपको बताता हूं। आप लोगों ने मेरा व्यापारी टू CEO कोर्स किया होगा 2023 में, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने किया। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताता हूँ कि व्यापारी ऐसा होता है, ये सोचता है, ये करता है, और CEO ऐसे करता है। तो CEO क्या करता है वो तो मैंने किताबों से, मेरे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, CA के एक्सपीरियंस से बहुत सीखा, पर एक व्यापारी के दिल में क्या चल रहा है वो सीखने में मेरे को मेरी CA का ऑफिस के साथ साथ BNI का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा। कैसे? क्योंकि BNI में जो 1-to-1 कॉन्सेप्ट होता है उसके चक्कर में एक एक व्यक्ति के साथ बैठ के 2-3 घंटे बात कर रहे हैं, और कई दिल की बातें ऐसी जो आम आदमी को नॉर्मल सेंस में नहीं बताता, पर वो यारी दोस्ती में पता पड़ी कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट ये सोचते हैं, वो सोचते हैं। तो बहुत ज्यादा थॉट विचार मुझे वहां BNI के 1-to-1 से मिले। प्लस जब मैं 1-to-1 कंसल्टिंग बहुत सारी करता था, कंसल्टिंग करके रिजल्ट बहुत सारे अच्छे मिले, तो वो भी शुरुआती क्लाइंट्स मेरे BNI से रिलेटेड ही थे। और जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी वो ये है कि BNI में सबको 8 मिनट का टाइम मिलता है अपनी प्रेजेंटेशन देने का। मैंने एक 8 मिनट की फीचर प्रेजेंटेशन दी और वो इतनी पसंद आई लोगों को कि सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, खड़े रह के 2-3 मिनट तक तालियां बजती रही। तब कुछ लोगों ने कहा कि राहुल जी यार इतनी बढ़िया चीज़ आपने 8 मिनट बताई, हमको और सुनना है। एक मेंबर थे राजेश्वर जी, उन्होंने भाई साहब उनसे मैं कोई डिस्कशन चल रहा था, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, उन्होंने गाड़ी कर ली लॉक, कहता भाई साहब जब तक डेट नहीं दोगे गाड़ी नहीं खुलेगी। तो मैंने कोई डेट घोषित की कि इस डेट पे अपन इवेंट करेंगे, तो राजेश्वर जी का थोड़ा धक्का लगा। और फिर BNI में जब मैंने किया कि चलो मैं एक बड़ा इवेंट कर रहा हूँ, तो हमारे अंकित भाई ने प्रिंटिंग की कमान संभाली, पृथ्वी भाई ने कैमरा संभाला, परवेश्वर जी ने लाइट साउंड्स की व्यवस्था की, नमित भाई ने इवेंट संभाला, और BNI के हमारा चैप्टर जो ब्लू जेट था उसी के मेंबर्स ने मिलजुल के पूरा इवेंट 4 दिन में हाउसफुल कर दिया। सारे मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहे और फ़ोन कर करके अपने यारी दोस्ती में सब में टिकट तक बेचे, और 200-250 आदमियों का एक सक्सेसफुल इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उस इवेंट के बाद मैंने मेरा कोर्स पहली बार लॉन्च किया था कि चलो 1-to-1 कंसल्टिंग बहुत हुई, अब बैच में बैठ के लोगों को पढ़ाएंगे। वो पहला बैच था सुपर 30, उसके पहले बैच के 30 के 30 लोग मेरे BNI मेंबर ही थे। सेकंड बैच जो था उसमें मेजोरिटी BNI थी, थर्ड बैच में मेजोरिटी BNI थी। फिर आगे कोरोना और मैं आ गया ऑनलाइन, तो वैसा वो इवेंट ना होता तो बैच न बनता, न बैच ना होता तो कंटेंट ना होता, कंटेंट ना होता तो मैं शायद ऑनलाइन भी ना आता। तो आज जो भी आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने वो कोर्सेज हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को व्यापार टू CEO की क्लास में करा चुका हूँ, ये सारी चीज़ की शुरुआत हुई तो BNI से थी। तो BNI भी हुआ ना कि राजस्थान टूरिज्म की टैगलाइन है, न जाने क्या दिख जाए, तो वैसे ही BNI भी एक तरह की संभावनाओं का शहर है, न जाने वहाँ से क्या चीज़ बन जाए। तो इसी के साथ भैया BNI जो मेंबर हैं, जो BNI में मेंबर थे, जो BNI के मेंबर बनने वाले हैं, सबको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बार इस कॉन्सेप्ट को ट्राई जरूर करना। इसको आप एज अ मेंबर रेफरल लेने के लिए काम में लो, या एज अ यूनिवर्सिटी कुछ सीखने के लिए कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो मैं मेरे बिजनेस में अप्लाई कर सकता हूँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हर व्यक्ति को एक बार BNI का मेंबर जरूर बनना चाहिए। तो अगर आप में से कोई BNI का मेंबर है और उसको क्या बेनिफिट मिला, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो कमेंट में प्लीज शेयर कर सकता है। और BNI के जैसी और कोई संस्था हो जिसके बारे में आप चाहते हैं कि सर इसके बारे में भी डिटेल में केस स्टडी बनाए कि क्या है, कैसी है, क्या करती है, कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो भी मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।